अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AQTV। आज के इस अहम प्रोग्राम में मैं आप लोगों को एक ऐसी प्लैनेटरी एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, एक ऐसी आसमानी कौंसल की नज़र के बारे में बताना चाहूँगा जो कि 12 मनकतुल बुरूज में बनने जा रही है। जो हमारे आसमान के 7 सितारे हैं उनमें 2 बहुत ही सादे अकबर सितारा यानी कि मुश्तरी जुपिटर और अतारत मरकरी की तस्दीस की नज़र है, यानी कि सेक्सटाइल की यह नज़र है। और ये नज़र बनने जा रही है 7 अप्रैल को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1:57 के ऊपर ये शुरू होगी और मुकम्मल हो रही है 8 अप्रैल को सुबह 7:19 के ऊपर, और इसका खात्मा होगा 9 अप्रैल को रात के 12:26 के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंगली इस पूरे वक्त में स्पेशली अहले इल्म हज़रात, अहले कलम हज़रात, स्टूडेंट्स लोग, तालिब इल्म लोग, या इवन आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपका ताल्लुक किसी भी ऐसी कंपनी से है जहां पे आप मार्केटिंग करते हैं, दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी बात में तासीर पैदा हो, एक वज़न पैदा हो, तो इस टाइमिंग्स के दौरान आप कुरान पाक की कौन सी सूरह का नक्श बना के अपने पास रख सकते हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ को आप समझ लें कि नक्श आप तभी बनाइएगा जब आपको नक्श बनाने की तमाम लवाजमात पता हों। नक्श लिखने की चाल, तरीका, रजालुल गैब, ये सारी चीज़ें आपको इल्म हो और उसकी ज़कात आपने अदा की हो। अगर ये सारी चीज़ों से आप नाबल्द हैं, आपको नहीं पता, तो फिर किसी अहले इल्म से आप लिखवाइएगा जिसको इन सारी चीज़ों का पता हो, अदरवाइज़ उस नक्श के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ख़ुद से जो आप अमल कर सकते हैं कुरानी तौर के ऊपर, जो एक छोटा सा अमल है जो कि आप कर सकते हैं, कुरानी पाक की एक सूरह है रब्बे ज़िदनी इल्मा। कुरानी पाक की इस सूरह को आप इस पूरे टाइम में कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लें, या अगर आपके पास जनजानी जंतरी है 2020 की, और अगर नहीं है तो मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं उसकी PDF फाइल, और उसमें आपने तलाश करनी है 7 अतारत। अतारत की 7 में आपने कुरान पाक की इस सूरह की तिलावत करनी है 313 मरतबा, और उसके बाद अपने अमल के लिए, अपने अल्फाज में खूबसूरती के लिए, ताकत के लिए, और दूसरों के ऊपर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए आप दुआ कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।